बेसमी सर नाम कलाम में कुरान शरीफ़ की जो आयत पेश की वो सुर आलरान की आयत नंबर तैतालीस है और जब फ़रिश्तों ने कहा अः मरियम बेशक अल्लाह ने तुझे पसंद किया है और तुझे पाक किया है और तुझे सब जहानों की औरतों में पसंद किया मंतखब किया है अजीत जिसको अल्लाह मंतख कर ले परवरदिगार मंतखब कर ले उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम कोई और रास्ता तलाश करें किसी और के से हेल्प लें जिस तरह के इसी चवालीस आदि में जिसका तर्जुमा यह है कि गैब की ख़बरें हम बजरिया वही तुम्हें देते हैं यानी पैग़ाम इस्लाम से कहा जा रहा है और तू उनके पास नहीं था जब कलम डालने लगे कि मरियम की को कौ, कौन परवरिश करे तो तू उनके पास नहीं था जब वो झगड़ रहे थे यहाँ तू से मुराद यानी पैगम्बर इस्लाम है तर्जुमा करने वाले ने थोड़ी सी यहाँ गुस्साखी की है नहीं करनी चाहिए थी ऐसे तफसी बघबी जल अव्वल सफ़ा चार सौ बासठ में आयत चवालीस के मतलब यूँ मरकूम है कि ज़ालिक्बे गैबनिका हज़रत मोहम्मद सलिल्वल्म को कहा गया है कि जो बातें हम आपको बतलाते हैं हज़रत जकरिया यिया मरिया मीसा वगैरह यह गैब की बातें हैं ख़बरें हैं हम आपकी तरफ वही करते हैं वमाकुन था ए मोहम्मद सली व्म अकलाम समंदर में क़लमों के जरिए कुरानदाज़ी कर रहे थे सोचने का मकाम है कि समंदर में जाकर कुरानदाजी करने की क्या ज़रूरत थी बहरहाल बुजुर्ग लोग हैं जो चाहे करें अब तक तो यही बात मुतरज फरमाते रहे कि हौज में जहां वो वजू करते थे इसमें कुछ में कलम डाल रहे थे तो हौज़ और समंदर क्या फ़र्क नहीं है कहाँ हौज़ और कहाँ समंदर क्या माने अब कह अहम यकबल यानी कि कौन उसकी देखभाल और तरबियत करेगा मरीम की कफालत के, के बारे में झगड़ रहे थे कामसुल किताब सफ़ा दो सौ तिरासी इमरानी में जात यानी ग़ैब के, के इल्म के बारे में गैब बीन जो लोग होते थे वो रमल अल्म जाफ़र ज्योतिष नजूम और वगैरह बहुत सारे बाद में और भी आए जिसके ज़रिए वो अंदाज़ा लगाते हैं और ग़ैब की बातों को जानना चाहते हैं और फिर लोग आते हैं, अगर सफ़ा नौ सौ उन्नीस के मुताबिक ग़ैब करते हैं अरबी उर्दू में ग़ैर मौजूद गायब पोशीदा उझल उसकी जमा गयूब या गयाब है और आइंदा वाक़त के इन को जानना जब हम गैब की ख़बरें एक बुजुर्ग फरमा फरमा रहे थे तो वो फर वो बात या वाक़ मुस्तबिल रनुमा होने वाली है वल्कि आपने गैब उसे कहते हैं जब भी रूना नहीं हुई है वो बातें यह वा, वाकयात उसको कहते हैं गैब और उनके मतलब ख़बर को गैब कहा जाता है अगर कोई बात पहले वाक़ हो चुका हो रून हो चुका हो तो उसे गैब नहीं कहेंगे बल्कि उसे तारीख़ केल में कहेंगे यानी तारीख में और उसको मरख लिखता है कि भाई फला वक्त में वो वी वक्त लिखता है मौरक़ और वो तारीख़ कैसा कहलाते हैं यह तारीख़ी वाक़ात पैगम इस्लाम के वदत बादत से तकरीबन साढ़े पाँच सौ साल कबल हज़रत बीबी मरियम मुकदस सलाम का ज़माना और उस वक्त की कुतुब समावी दर्ज था जो आज भी में नुआन वही आसमानी कुतब वही बातें मरकूम है तो ये गैब वाली बात नहीं हुई मवा कीजिएगा कुरान शरीफ में और किताब मुकदस मरियम का कितना फ़र्क़ है

ये साथी मरियम है।, है जो तारून थी मूसा की बहन थी उनका जिक्र हम कर चुके, ये याद रहे कि जिस खातून को खुदा ने चुन लिया मुंतब किया इस्तीफा किया उसके लिए मन्नत की कोई जरूरत नहीं है अच्छा अगर यही सवाल है, आप आप अगर हैजिद हैं कि नहीं जी मन्नत मानी थी चले हम आपकी बात मान लेते आपकी गुफ्तु शराखों पर लेकिन मुझे समझा दीजिए तालीम के हैचय से मैं सवाल कर रहा हूँ कि अब तक जिन जिन जिनको रब्बालमीन ने मुंतखब किया चुना इंतखाब किया इस्तफा किया तो क्या उन सबकी मादर ग्रामी ने भी मन्नत मानी थी जवाब दे दीजिएगा आप मुझे मुतमिन कीजिएगा आप किस किताब से न, उसको नकल कर रहे हैं तो किसी एक का भी नाम कलाम पाक में कहीं कोई निशानदेही तो होती नहीं है तो ईमान कान में अजाफा होगा एक और बुज़ुर्ग फरमाते थे कि आखिर खुदा तला ने हज़बी में मजीबी मुकदसा को इस्तीफ़ा किया चुनाव मंतख क्यों किया तो उस बुजुर्ग से सवाल किया गया कि बबज याद क्या फरमाते हैं तो फरमान लगे मैं इबरानी से अरबी में तर्ज़मा कर रहा हूँ इसका मतलब वो बुजुर्ग बने ज़बन भी जानते थे अरबी भी जानते थे लेकिन पहले इतना समझ लो ये उस सब की बात है जब ठंडे वक्त में रब्बालमिन आदम और होवा अल्सम से बाग जन्नत में यानी बाग जन्नत जहाँ वह रहते थे गुफ्तू करने के लिए आते थे तो एक दिन आवाज़ देते थे दे रहे थे हजरत आदम और होवा ने ख़ुद को दरख्त में पत्तों में छुपा लिया अब तर्जुमा कर रहे हैं फनाद रबी आदम आंथा तब खुदा बन ने आदम को पुकारों उससे कहा तू कहाँ है क्या आज भी खुदा इबन आदम को नहीं पुकार रहा है तू कहाँ है तू कहाँ भटक रहा है तू एक दर को छोड़ छोड़कर क्यों दर बदर फिर रहा है तू एक रब को छोड़ छोड़कर क्यों अपने मन के भूतों भुतों पे पर, परस्तिश कर रहा है तो एक रब वो रब मुतकलम है फ़काल समय तो फिर जन्न फ़क़ुलरियाना तो उसने आदम ने कहा कि मैंने बाग़ में आपकी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था मैंने बाग में अपने आप को छुपा लिया इसमें याद रखिए मतक्लम रबालमीन है और किसने मतक्लम पहले रबालमीन थे पहले में और दूसरे में आदम को मुखातिब किया था अब आदम मतक्लम है और मुखातिब हाजिर जो है वह खुदा है ग्यारहवीं में, में फ़काल मिन आदम का अमल का का रियान हल अकुल तो मिन शजरती अल्लती वसीयत का इन लातकुल मिन उसने कहा खुदा ने कहा क्या तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है किसने बताया तुझे कहीं तूने उस दरत का फल तो नहीं खा लिया जिसके बाबत मैंने तो हुक्म दिया कि ना खाना अभी शायद साहित मतल खुदा है और हाजिर हजरत आदम है और हुआ है बारहवीं फकाल आदम आदम ने कहा इमरा आदम ने कहा जिस औरत औरतने मेरे साथ किया ना इसी ने मुझे उस दर का फल दिया और मैंने खाया अब फिर ग़ौर करें इस आयत में मतक्लिम खुदा हाजिर कौन है मुतकलम कौन व आदम हाजिर खुदा और अव आगे चलते हैं तेरवी आयत फ़कालब अमरात फालतफ़ालमरातरतनी गर, फ़ाकतुल तब खुदा ने वंद नेत से कहा यह तूने क्या किया औरत ने कहा साहब ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया यहाँ चार शख्सियत हो गई قال ايه خدا تھا جو ڈھونڈ رہا تھا پھر آدم، ہوئے پھر আদম مراہ ہوا پھر خدا اب یہ چار شق تھے متکلم خود خدا حاضر آدم حوا اور ابلیس جو سانپ کی شکل میں آیا تھا فقال من جميل رب إله الحيه لانك فعلت هذا ملعونه انت من جميع الباحم والحوش البريه على بن على بطنك تصين وترابا تاكلين كل ايام حياتك और खुदा ख़ुदा ने सांप से कहा यानी अब मुखातिब किसको खुदा मुतकलम खुदा है और अब सांप हाजिर है सांप से मुतकलम गुफ्तू हो रही है इसलिए तूने यह किया है कि तू सब चापाएँ और दस्ती जानवर है मनाउन ठहरा तू अपने पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा अब मैं उस आयत की तरफ तोज्जो तलावत कर रहा हूँ और तोज्जो चाहूँगा लेकिन अजा निका हूँ बस इतनी सी इसदा है कि जब हम अपनी आँखों से एनक और अपने उस चादर को तसुब के जाग तक जब तक नहीं उतारेंगे उस वक्त ये बात समझ नहीं आएगी आइए क्योंकि तसब बोगत की चादर जो है वो हर चीज़ में हकीकत को रोक देती है और हम हकी इरफान में तसवुफ़ के निगाह से यानी पहले तसवुस मुखातिबर फिक्र कीजिए कि की अशद ज़रूरत है तो भला हम में क्या मजाल कि हम रब्बला के हजूर गुना आलो लबों से उसकी जुम्बिस दे सकें क्योंकि परवर दुनक तारीफ कर रहा है अब किसकी तारीफ़ का जिसका जिक्र जमीर परव आलम ने उस गुस्सा और गजब की कैफियत में बता रहा है खला आलम की कुदरत के नगह मुआज़मा व मुंतबा व इन्ना ला का तहर का इस्तफा जबकि भी आदम और हवा रबली जन्नत से नहीं निकले थे यानी हुक्म नहीं हुआ था निकलने का भी वहीं थे और सजा का हुक्म भी नहीं हुआ था और उनका जिक्र एहसन पैगम इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्ला वम को करने का हुक्म दिया जा रहा है सोन मरियम आयत है।, है।, है, है जिसका जिक्र अब खुदा कर रहा है पैदाइश किताब में पहली तकवीन की किताब में है यहां यह नहीं कहा गया कि इस कुरान में जो मरियम उसका जिक्र करो अख्ते हारों का जिक्र करने के नहीं कह रहा बल्कि उस मरियम का जिक्र अल किताब में जो खास किताब में मरीम का जिक्र उसके लिए कहा जा रहा है उस खास किताब में उस वक्त मरियम मुकदस का नाम नहीं बताया गया फिर क्या बताया गया कैसे पता चलेगा ये मरियम है मगर ख़ास इशारा दिया गया था वो इशारा क्या था आइए इस आयत मुबारक की तलावत जरा हम ग्रामर के अंदाज तस्बुफ़ में देखेंगे वज़ा अदावत बराहत का व बस की व नस व वह का अखबू मैं मैं कौन खुदा मुतकल तेरे नस्ल और औरत के दरमियान और के के अदावत डालूंगा वो तेरे सर को कुचलेगा, तू तो उसके एड़ी पर काटेगा देखिए नाम नहीं है औरत हाजिर है अव्वा भी औरत वो हाजिर है लेकिन ये किस औरत का जिक्र हो रहा है अब जब हम जब इसकी तशी देखते हैं तश्वुफ के निकाह से देखें फिर आपको मजा आएगा कि यह खातून है कौन जिसका जिक्र खुदा कर रहा है अलिफ में यानी तेरे मैं कौन खुदा मैं तेरे और औरत के नस्ल के दरमियान बे तेरी नस्ल औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा जीम वो तेरे सर को कुचलेगा तू उसके लिए पर काटेगा अगर हम इस मुबारक करीमा को कवायद की तसबर की अमीक निगाह डालें तो एक बहुत बड़ा भेद से पर्दा उठ जाएगा अजीज़ हो इस तीन शख्सियत में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन मतक्लिम फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन हाजिर और थर्ड पर्सन गायब अलिफ में फर्स्ट पर्सन खुदाजुलजलाल तेरे सेकंड पर्सन हाजिर कौन खुदाबंद जिसको मुखातिब कर रहे हैं वो इब्लिस है थर्ड पर्सन औरत कौन औरत क्या माने हजरत होवा तो वहीं मौजूद थी फिर ये कि, कि, किस औरत है नहीं थर्ड पर्सन वो औरत गायब है जो अभी तक मौजूद नहीं है यानी वो औरत दरमियान इब्लीस की अदावत होगी उस औरत से और जाहिर है कि अब हजरत हो तो है नहीं तो है कौन फिर परवरदिम ने सांप को शैतान जो सांप के रूप में था शैतान पर जिल्लत और जवाल और शिकस्त के लानत भेजी और हक़ फरमाते हैं कि ये ये आयत में इबलीस के मुतल है और इस आयत में खास खुशबरी की खुशखबरी की निशानदही दी गई है बज़ाहिर तो शैतान और, और औरत के दरमियान बात हो रही है लेकिन दकीकत तमाम बनिनो नसान के लिए क़्यामत तक के लोगों के लिए है अब फिर गौर करें बे के हमने तशीर करें कि और तेरी नस्ल औरत के नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा यानी शैतान के नस्ल होवा के नस्ल में अदावत जारी रहेगी मगर आदम और हो नस्ल में कोई ऐसी औरत आएगी उस औरत के नस्ल के दर के दरमियान दायमी दुश्मनी पे, पेशन गोई की गई दायमी तौर तो पर आखिर है क्या होगा आखिर में क्या होगा वह औरत कौन है शिवराज में रखा गया औरत की नस्ल मर्द के नस्ल नहीं कहा गया औरत की नस्ल क्योंकि आदम से जितने भी ऐसा मर्द के नसल से आए अब ये कौन सी औरत है तीसरा है कि वो वो जो औरत की नस्ल होगा वो क्या करेगी वो नस्ल वो तेरे वो तेरे सर को कुछ लेगी और तू उसके एड़ी पर काटेगा उस एक औरत की नस्ल जो होगा वो इब्लिस के सर को कुचलेगा यानी बाज मोहलिक जख्म से उसकी कुल्ली शिकस्त के निशानदेही होती है और ये सबसे बड़ी जरबकारी जो जख्म जो कलवरी के पहाड़ पर लगाया गया जिस जिन निजात दहिंदा ने इबलीस पर फैसला कन फतह हासिल की ये उसके बदले में है ये वो शैतान शैतान हुजूर मसीह के एड़ी पर काटेगा एड़ी के का काटने से तकलीफ़ हती के जिसमानी मौत मुराद है लेकिन हतमी शिक्स मुराद नहीं है चुनाचा मौलाना मसी सलामाना ने सलीब पर दुख उठाकर उस इंतहा मंजिल पर दुख उठाया जिसका बयान अल्फाज में कोई नहीं कर सकता सब अपने अंदाज़ में करेंगे लेकिन वो बयान नहीं किया जा सकता बल्कि सलीब पर सिर्फ फरमाया अब्बा, मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंप आपके हवाले करता हूँ ये कहा और रूह का फिर सिर्फ प्रवास कर गई अजीज आप सोच रहे होंगे कि मिलाद की महफिल है और ये ये मौत का क्यों तस्करा किया जा रहा है सिर्फ़ रब्त देने के लिए कि हमें समझना हो कि वो मरियम है कौन वो खातून है कौन और उसकी औलाद है कौन गुरूब आफ्ताब से कबल आपके जिसम आथर को सलीब पर से बजरिए एक मुशीर बनाम यूसुफ अरमर्थिया से रूमी बादशाह पलातूस की इजाजत के हासिल सत्तर आलिमों के सरदार नकदीमस ने मौसमी शरीय के मुताबिक गसलोकफन दिया और किसी गैर की नहीं बल्कि गैर की थी वो पुरानी खबर नहीं थी नई कबर थी उसमें दफन कर दिया गया और तीसरे दिन अस खुद मर्दों में से जिंदा होकर उस गुनाह कब्र जहनुम और शैतान पर फता पाई अजीज जैसे उसने इससे कब्र ना बाद में कोई ऐसा कर सका और ना कर पाएगा औरत की नसर से मुराद यही क़लमतुल्ला रूल्ला है हजरत मसीह की कुआरी पर पैदा पैदाइश भी मुमकिन है खुदा ने रहम ने रहम को फरमा लिया मुलाजा फरमाए कि उस जल रबजला जिसने इंसान की अपनी सूरत सभी के मान बनाया कितना प्यार करता है कि और हाल में चाहता है कि हर इंसान इकरार गुनाह करके तौबा करके ईमान लाकर अबदी जिंदगी वारिस बन जाए और अल मसीह की पहली आमद और सलीबी मौत का मकसद भी यही था आइए अब जरा दोबारा हम इस मरियम पर एक तायराना निगाह डालते हैं कि जिसकी परवरिश के लिए कहा जाए जक्रिये को पेश किया गया क्या वाकई ज़करिया ने पेश किया था ज़करिया कहाँ रहते थे वो अपने अहद में जब आए थे जब पाकबाज़ थे सब कुछ था लेकिन उनको पाकबाज़ी के वजह से अपने ज़माने में वो काहिन करार पाए और बहूर जलाए करते थे महराब तो था नहीं वहाँ पे जो आपने लिखा कि महराब में सजदा कर नमाज पढ़ रहे थे और जकरिया को अब फौरी कहा कि जब जकरिया ने वो कलम डाला और उस, उसके बाद उस मरियम को सौंप दिया गया फिर ये आयात सैंतीस में है आलिमरान की कि फिर उसे उसके रब ने अच्छी तरह कबूल कर उसी, उसी अच्छी तरह बढ़ाया और जकरिया को सौंप दी जब ज़करिया उसके पास हजरे में आते तो उसके पास कुछ खाने की चीज़ें पाते तो कहते कि अ मरियम तेरे पास ये चीज़ें कहाँ से आईं वो कहती हैं कि अल्लाह के यहाँ से आई अल्लाह जिसे चाहता है बे, बेकयास रिस्क देता है यानी अगर अगर जकरिया नबी थे तो खुदा ने क्यों नहीं बताया जकरिया हाँ हम ये रिस्क मैं भेज रहा हूँ और फिर वहाँ कहाँ रख रखा था उन्होंने जकरिया ने उनको जनाब मरियम को तो पता चला ये वो मरियम नहीं है जिनको ने परवरिश की अच्छा इसी बात को अगर किताब किताबस में परवरिश के लिए तो तो, वाले ने की चंद दिन की अगर मरियम है एक दिन की मरियम है शीर खान है तो दूध कैसे पिलाई आप कहेंगे फीडर फीडर से उस जमाने का का रिवाज था तो किस, फिर फिर सवाल होगा किस कंपनी के वो मिल्क थे पाउडर जो उनको पिलाया गया था अजीज तो ऐसा कोई नहीं है वालदे अपने बच्चे को लड़का या लड़की किसी सूरत भी घर के हवाले नहीं करेंगे अच्छा ऐसा है तो राकेबरूफ जिन्होंने इस रवायत को लिखा उन्होंने अपने कितने बच्चों को दूसरे को दूसरे के हवाले किया यहाँ पता चल जाएगा आपको अब कहते हैं ये गैब की खबरें हैं इसका हम आपको तस्करा कर चुके थे अब आइए इन ला इसफ़ा आदम इब्राहिम इमरान आलमीन ने आदम को नूह को और इब्राहिम को औलाद आदम और इमरान की औलाद को सारे जहां पसंद किया इमरान नहीं इमरानी इमरान था वो और दाऊद जो है उनकी नस्ल पूरी कायनात में फिर फैली बेशक अल्लाह खुदा तौ ने हज़रत आदम को और नूह को और इब्राहिम इस्लाम को और इमरान की औलाद को सारे जहाँ के लिए पसंद किया और किताब मुकद्दस में इमरान के कोई शख्सियत नहीं है फिर आइए जो एक दूसरे की औलाद के रिश्ता सुनता था इस कालत इमरत नज़र तो अगर ये तफसील हम पीछे नशत में न पेश करते कि हाँ उस मरियम ने कि वालदा ने मन्नत मानी थी तो जिसे खुदा चुने उसे मन्नत की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बीबी मरियम जो थी यहाँ एक याद आ रही इब्न अब्बास रदी अल्लाह तनों से रिवायत आप कहते हैं यहूद कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम और याकूब के बेटे हैं और हम उन्हीं के दीन पर हैं एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि ठीक है ये कोई और इमरान की बीवी हो सकती है लेकिन इमरान की बीवी नहीं होगी जब जिसने उसे रब के पेट में प्रवेश करके आज़ाद किया था फिर वही बात कि आप इस बात को दोहराएंगे, लेकिन खुदा ने कलाम में क्या किया क्या इनका नाम क्या था मरीम का वालिद का नाम था युकम और वालदा का नाम था हन्ना और जब ये तफसर बघवी कहते हैं कि हन्ना जो थी जमीर हाय लगा कर वो कहते हैं कि ये बाँझ थी और एक दरख्त के नीचे बैठे वो देखा कि परिंदे जो हैं वो अपने बच्चों का दाना चुग रहे हैं तो इनके दिन में काश खुदा भी मुझे औलाद दे अजीज़ हो मरियम की वालदा हन्ना बाझ नहीं थी अलिशबा बांझ थी जब भी तो जकरिया को कहा गया कि हाँ मैं तुझे खुशखबरी देता हूँ तेरा बेटा होगा गुलाम होगा उसका नाम यही रखना और उसी का नाम योन्ना इस्ते इमरानी जबान में अजीज वो यहाँ हम जब गौर करते हैं कि, कि बहुत सारी ऐसी बातें जो कहा गया वो कुछ और है और जो कलाम में लिखा वो कुछ और है आइए अब खुदा ने मतानिया औरत उस नस्ल से दोनों का नाम को शराज में रखा था कौन औरत तो और कब होगी और कहाँ होगी कैसे होगी आइए सिलसिले में हम आठवीं सदी कब्ल मसीह के हजरत यसा जो जिन्हें अम्बिया अकबर कहा जाता है और उनकी वो पहली आठवीं सदी के अम्बिया अकबर में से उनका जो शहीफ़ा है यसा के नाम के से उसके उसके हम दो आयत आपकी खदरत पेश एक आयत पेश करते हैं सहीफा के साथ में रुकू की चौदहवीं आयत यानी यसाया साथ में बाप चौदहवीं आयत व लकन यासमल सैद नफ़ाह आयात हल आजरा तहबुल व तलबना व तमा या अमान लेकिन खुद खुदा आपको एक निशान बख्शेगा देखो कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और वो उसका नाम इमानुल रखेगी इस बात को हम देखते हैं सुर आमरान किसमें फतकबलामिन यकबुल फिर वही बात कहते हैं कि जकरिया ने परवरिश की जकरिया ने नहीं की और वो जो हामला होगी वो जो औरत होगी कुंवारी होगी यहाँ जो जिसको जकरिया परवरिश कर रहा है वो कुछ और तो हो सकती है लेकिन ये जना में मरियम नहीं हो सकती क्योंकि वो लिख दिया कि वो कुंवारी होगी और वो बेटा जनेगी और उसका बेटे का नाम हो वो खुद रखेगी माने मानी खुदा हमारे साथ है असीजा फिर हम एक और आयत देखते हैं माँ मसी इब्न मरियमा रसूल मरियम के बेटा जो मसीह है सिर्फ रसूल पैगम्बर है और इससे पहले ये सूर्य माहा के पचहती आयत है कद क़ खलत मिन कबल रसूल उससे पहले भी हमने रसूल भेजे व उम महू सदीक़ा काना गया क़ुलूनत अम्मा सिद्दीक़ा क्या मतलब कि उसकी वालदा सच्ची हैं यानी उनकी वालदा का नाम जो है सच्चा होने का सिद्दीक़ा होने का लकब दिया गया अब यह सवाल पर्दा होता है कि और किस किस की माँ को खुदा ने सच्चे कहा है उमदीक़ा कुरान को अगर आप लेंगे तो यही वो मरियम हैं जिनको सिद्दीक़ा कहा जा रहा है और किसी माँ को सिद्दीक़ा नहीं कहा अब आप जिसको चाहें सैकड़ों को सिद्दिका बना दें हो सकती हैं लेकिन कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती वो किताब मुकद्दस के मुकाबले में नहीं आ सकती ये वो मरियम है ऐसा नगर में आइए हम एक और चीज सूर अम्बिया आयत नंबर सात उसके बाद फिर हम कुछ और गुफ्तु करके हम आपसे इजाजत चाहेंगे वमा अरसल नब निकल अल्ला रजाल अहल जिक्र इनको तुम लातमून पैगम इस्लाम से कहा जा रहा है कि हमने आपसे पहले मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा और हम उनकी तो वही भेजा करते हैं जिक्र तो अहल जिक्र इनको तुम लात तुम तुम तो तुम अहल जिक्र से पूछ लिया करो अगर तुमको खुद ना जानते हो कैसी बात कुरान में फरबर दिकार कह रहा है कि पैगम्बर अपने पैगम्बर से कह रहा है पैगम्ब इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल वसम से कह रहा है कि अहल जिक्र से पूछो तुम्हें कुछ नहीं आता जो नहीं जानते हो उसके बाद खुद नहीं जानते अहल ज़िक्र से पूछो अब सवाल पैदा अहल ज़िक्र हैं कौन अहल क़ुरान तो फिर खुदा को कहना चाहले कुरान से पूछो कुछ लोगों लोग तर्जमा के जी है, है कुरान है क्योंकि हम ही अल्लाह का जिक्र करते हैं नहीं कुरान कह रहा है अहले ज़िक्र कुछ और हैं अहले ज़िक्र अहले किताब हैं ये अहले किताब कौन जो कुरान शरीफ से पहले जितने भी किताबें थीं बजाय चार किताबें हैं तौरात ज़बूर साहिफ अंबिया और इंजील जलील लेकिन उन चार किताबों में छियासठ किताबें हैं और उसके लिखने वाले चालीस मुकदसें हैं जो सोलह सालों में मुकम्मल किया उसको उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस जो किताब के मानने वाले हैं ईमान रखते हैं ईकान रखते हैं अमल करते हैं यानी अमल सहले भी करते हैं तो उनसे पूछा जाए अजीज़ सूर्यमरान की आयत पैंतीस में अगर हम पूछते हैं कि हारून की जो वालदा थी उनका नाम युकबद और वालिक ना इमरान था तो आपने कहाँ से इमरान लिया ये तो नहीं है और पैदाइश में ये पैंतीसें तैंतीस बाकी पंद्रहवीं आयत में हमने यहाँ औरत की नस्ल पेश किया आपकी खदमत में सवाल ये फिर पैदा होता है कि वो जो मरियम कुआरी जिसका जिक्र नाम नहीं लिया गया कि खुदा के आठ सौ साल कबल कि वो इस में उस के मुकदस खातून का इशारा है जो खुद खुदा की एक निशानी बख्शेगी गोया कि इस भेद को इस हस्ती की आमद से अव्वल खुदा ने भेद एक रास को दिया लेकिन रास अफसा नहीं किया चूंकि इब्लिस और उस औरत के दरम्यान जंग होगी और उसकी नस्ल और फिर के के नस्ल जंग होगी अदावत रखा खुदा ने आइए हम किताब मुकदस से कहा गया से से पूछो तो हम से पूछ रहे हैं कि हजरत मसीह की पैदाइश कहाँ हुई थी क्योंकि कुरान के हवाले से रवायत के हवाले से पता चलता है कि मसीह की पैदाइश हुई थी वो वहां से चली गई थी कहाँ गई एक सहरा में चली गई एक दरख नीचे बैठ गई और से अपने आप को कोसने लगी क्या वाकई दुरुस्त है आइए हम क्योंकि कोई वक्त नहीं बताया जा रहा है कि मरियम कहाँ थी और यह भी वक्त नहीं पता चला कि कैसे करके मरियम वहाँ तक पहुंची यसु मसीह की पैदाइश छठे महीने की जेबील फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के उस शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुंवारी के पास भेजा गया अब कुंवारी का तस्करा हो रहा है जिसके मंगने दाऊद के घराने में एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी उस कुंवारी का नाम मरियम था और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है और खुदावन तेरे साथ है ऐसे तो गौर करने का मुकाम है कि मरियम घबरा जाती है और वहाँ भी कहा मरियम घबरा घबराती ये कैसे हो सकता है उसने कहा है कि तुझा फजल हुआ और देख तू हम लोग तेरा बेटा होगा उसका नाम यसू रखना वहाँ कहा कि ईसा मसीह रखना मसीह सा रखना वो बुज़ुर्ग होगा खुदा तला के बेटा कहलाएगा और खुदा वन खुदा उसके बाप दाऊद का ताक उसे देगा पता चला कि दाऊद के नस्ल से है और वो याकूब के घर अब तक बादशाही करेगा उसकी बादशाही का आखिर ना होगा चौथी सह के मरियम ने फैश्ते से कहा यह क्यों कर होगा जबकि मर्द को नहीं जानती वहां भी यही बात है कि कैसे हो सकता है मैं तो मर्द को जानती नहीं यानी कुआरी है अभी तक में के फ़िशे ने वहां यह है कि उसने कहा कि यह सब कुछ हो सकता है जैसा खुदा चाहता है हम कर सकते मेरे लिए आसानी है यहां जवाब पेश किया जा रहे वहां जवाज़ नहीं है यहां इस आयत में यह है और और फैस्तः ने जवाब में मुझसे कहा रोहल कदस तुझ पर नाजिल होगा वहां भी ईसा साहब मरियम मरियमल बैनाथ बे रोहल कदस यहां से लिया गया लेकिन आगे डिफेनेशन नहीं है वहां की तारीफ़ नहीं की गई वहां के उसके तफसील नहीं है यहां आप तफसील से सुन रहे हैं यानी अहले तसव्वुफ के लाजमी है कि वो हर बात को तफसील से जाने तो फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि कुदुस उस पर नाजिल होगा और खुदा पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा भी बुढ़ापे में बेटा उसका बेटा होने वाला और अब उसको जो बाँच कहलाती थी छठा महीना है क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से वो हरगिज बेतासी न होगा मरियम ने कहा देख मैं खुदावंत की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक को तब तो फरिश्ता उसके पास से चला गया अजीज़ हो दशनगी बाकी है हम तो सिर्फ मरीम का जिक्र कर पाए लेकिन हमने कहा था इब्ने मरीम का भी जिक्र करेंगे इसके साथ कि आप पहले मरियम को समझ लें फिर इब्ने मरियम आपकी समझ में आ जाएगी खुदांद मताल हमें आप सबको अपने कलाम मुकद्दस को समझ लें और इरफान की आगाही के साथ ईमान के साथ हमें उस हस्ती को समझने वाला बनाए चलते चलते फिर वही बात कि आपके पास अगर किताब मुकद्दस नहीं है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर टेलीफोन नंबर व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह आप अपना पूरा पता लिख भेजिए हम जब देखें जब तक आप किताब मुकद्दस का मुताला खुद नहीं करेंगे बात वाज़े नहीं होगी और कलाम यही चाहता है कि आप उससे कलाम कर तो कलाम आपसे कलाम करेगा